साथ करेंगे। नारायणपुर से बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीमा पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नारायणपुर से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर हुए हैं और मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। तो बड़ी जानकारी आप सभी को नक्सल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। नारायणपुर में नक्सली और सुरक्षा कर्मी के बीच मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हो गई है, साथ ही साथ महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर होने की जानकारी सामने आई है। तो वहीं अच्छी खबर ये कि इस मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नारायणपुर से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। तो वहीं इस मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर एक महिला समेत 3 नक्सली ढेर होने की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की यह बड़ी खबर, मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर, मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अलसबरीन नाज जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अलसबरीन, क्या कुछ अधिक जानकारी? नक्सल ऑपरेशन के तहत पुलिस और के तहत जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद लगभग 4 बजे से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अब तक के जो है 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। क्या अभी भी ये मुठभेड़ जारी है या फिर अब मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है? जी, मुठभेड़ जो है वो अभी भी जो है वो जारी है, तो रुक रुक के, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में नक्सली जो है रह रह के जो है सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है। बिल्कुल, कुछ सामान बरामद करने की जानकारी यहाँ पर सामने आई थी, आखिर क्या कुछ बरामद किया गया? जी बिल्कुल, AK-47 सहित जो है भारी हथियार जो है वो बरामद किए जा चुके हैं अब तक के, और सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष नक्सली और 1 महिला नक्सली का जो शव है सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही आसपास के जो एरिया है वहां पे सर्चिंग अभियान जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अलसबरीन तमाम जानकारी देने के लिए।